इस बार के पंचायत चुनाव में अजब गजब के खेल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। जहां पहले मुखिया के पद पर मारामारी थी, अब वार्ड सदस्य के पदों पर भारी दावेदारी हो रही है। उस पर नामांकन की संख्या का अगर रेशियो देखा जाए तो ऐसे भी तो मुखिया का पद कम होता है, फिर भी अगर रेशियो मिलाया जाए तो एक मुखिया पर 10 वार्ड, अगर एक मुखिया का हो रहा है नामांकन तो उस पर 10 वार्ड सदस्य का के उम्मीदवार का नामांकन हो रहा है। कहने का मतलब है कि 10 गुना भारी है। वहीं दूसरी ओर इस बार जैसी घोषणा हुई है, सरपंच की जो पावर बढ़ी है तो सरपंच के भी उम्मीदवारी बढ़ी है। सरपंच पद के लिए भी लोगों में इंटरेस्ट जग रहा है, उत्सुकता है और लोग सरपंच के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आरक्षण की मार, जहां महिला आरक्षण ने इस पंचायत चुनाव के पूरे गणित को बदल कर रख दिया है। पुरुषवादी मानसिकता, जो कहा जा रहा था कि पितृसत्तात्मक यह समाज है, यह केंद्र है, लेकिन राजनीति बिल्कुल मातृसत्तात्मक हो गई है। मातृसत्ता काम कर रही है। जैसे ही महिला आरक्षण की बयार बही है, जो पुरुष अपने आप को समाजसेवी कहते थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आरक्षण कोटे में आने के बाद ही अपने घर की महिलाओं को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ अजब गजब भी देखने को मिल जाता है। रिश्तों पे भारी पड़ रहा है चुनाव जीतना। परंपराएं, लगन, मुहूर्त, धर्म, शास्त्र, ये सारे के सारे इस पंचायत चुनाव में छलावा साबित हो रहे हैं। दोस्तों, हम इशारा कर रहे हैं कि जहां आरक्षण लागू है और महिला आरक्षण लागू है, और जैसा कि इस बार में जो निर्वाचन आयोग जो है, जो विभाग, जो सरकार ने व्यवस्था की है, जो विभाग ने जो व्यवस्था दी है कि इस बार महिलाओं की जाति की पहचान उसके मायके से की जाएगी, उसके पिता के द्वारा किया जाएगा, पिता के नाम से ही उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, यानी मायके से बनेगा। और ऐसी परिस्थिति में जहां पुरुष अपनी ससुराल की दौड़ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कुंवारे थे या कोई अपने आप को उस नेतृत्वकर्ता समझते थे, बिना लगन में शादी ब्याह भी कर रहे हैं। जी हाँ, अब एक साझा मामला गया से आया था, खीरसराय से एक मामला आ रहा था कि चुनाव उनको लड़ना था, प्रतिद्वंदी को मात देना चाहते थे, इसलिए आनन फानन में बिना लगन के ही शादी कर लिए अपने समाज की युवती के साथ बिना दहेज का। तो इस तरह से बयार होता है, यह महिला आरक्षण का बयार है, यह सामाजिक बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों, हम बात चर्चा कर रहे थे कि आखिर वार्ड सदस्य का जो चुनाव लड़ने के लिए इतनी मारामारी क्यों है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, जो अभी तक दूसरा चरण का नामांकन शुरू हो रहा है, तो अगर हम आंकड़ा पर अगर नजर डालें, पहले चरण में 2 दिनों में कुल 2526 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें 1582 नामांकन पत्र सिर्फ वार्ड सदस्य के लिए हैं। समझिए, आंकड़ा देखिए, पूरा का पूरा, मैंने जिला परिषद से लेके पंच सरपंच सब कुछ लेके 2526 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें 1582 वार्ड सदस्य के लिए लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव 2016 के बाद बिहार सरकार ने 2017 में बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड के आवरण में प्रबंध समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 को लागू कर दिया था। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड सदस्य का सीट है जो हॉट सीट हो गया है, उसमें वार्ड सदस्यों की भूमिका अचानक बढ़ गई है। वित्तीय पावर मिल गया, कार्य करने का दायरा बढ़ गया, प्रबंध समिति अपना अलग खाता खोल लिए होता है, प्रबंध समिति का अलग खाता होता है, जिसकी चर्चा चल रही है कि प्रबंध समिति के पास अब सीधे डायरेक्ट पैसे आएंगे, मुखिया जी के सामने उनको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, जो सरकार की राशि इसमें भेजी जाती है। मुखिया संघ द्वारा कड़ी आपत्ति के बावजूद अंत में सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अब इसको ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे। आपको याद होगा, पहले जो चर्चा चल रही थी कि डायरेक्ट वार्ड समिति के खाते में पैसा आएगा, लेकिन मुखिया संघ ने इसका कड़ा विरोध किया था। फिर सरकार ने आपसी सामंजस्य बैठाया, पहले मुखिया के
अकाउंट में पैसा जाता था ग्राम पंचायत के अकाउंट में, उसके बाद जो है मुखिया जी जो है ग्राम पंचायत वार्ड ग्राम समिति के खाते में संचालित स्थानांतरण करते थे पैसे को। लेकिन अब जैसी चर्चा चल रही है कि वार्ड ग्राम समिति के खाते में डायरेक्ट पैसा आएंगे, और वार्ड सदस्य में आखिर है क्या, कौन सा रसगुल्ला छुपा हुआ है कि इतनी भीड़ बढ़ रही है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जहां मुखिया जी का वेतनमान जो निर्धारित है शायद 2,000 रुपया है, अगले एक वीडियो में बनाया हूं, लेकिन ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना का देख रेख करने के लिए और क्या प्रश्न के माध्यम संचालित किया जाता है, इसके लिए लगभग उनको पैसे मिलते हैं। अगर पूरा अगर राशि जोड़ लिया जाए तो 5,000 रुपया प्रति माह वार्ड सदस्य की को मिलता है। राज्य में 1,13,307 वार्ड हैं और इन सभी वार्डों पर चुनाव होना है और सभी वार्डों में वार्ड ग्राम समिति कार्य करेगी। ऐसी परिस्थिति में वार्ड में तो भीड़ बढ़ी रही है, तो दूसरा पहलू है, यह भी मैं आपको बता दूं कि पहले सरपंच का जो चुनाव होता था, पंच का जो पद होता था, उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन जैसे ही पंचायती राज विभाग ने यह घोषणा किया है कि सरपंच को भी वित्तीय अधिकार दिया जाएगा और मुखिया के समकक्ष उनको भी सिंचाई नली गली ये सब कार्य करवाने का अधिकार दिया जाएगा, तो सरपंच के उम्मीदवारों के लिए भी क्रेज बढ़ा है। लोग भारी संख्या में सरपंच पद के लिए भी नामांकन कर रहे हैं और पंच का पद भी महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है दोस्तों कि महिला आरक्षण की बयार बही, 50% महिलाओं को सीट दिया गया है इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। अचानक कहा जाता है ना कि महिला मतलब नारी, जत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता बसंते, महिलाओं का कद ऊंचा हो गया है। मुझे जानकारी तो ऐसे ऐसे मिल रही है कि जो शादी से रूठे हुए जो पति थे, कभी ससुराल नहीं जाते थे, वह भी जाति प्रमाण पत्र के लिए ससुराल की दौड़ लगा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी मायके जाने का एक सुनहरा अवसर मिल चुका है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट और मुझे लगा कि इस तरह की जानकारी भी आपको बतानी चाहिए, देनी चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है इस चुनाव में। इस तरह के और चुटीले जानकारी मैं गांवों में घूमकर वहां से निकाल कर लाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा, तो इसलिए इसी तरह से वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन जितना सब्सक्राइबर होना चाहिए, जितना तेजी सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले को आप साथ नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ कर, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। इसी गुजारिश के साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और क्या जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।